अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी आप, दादी सब क्या कर रही हैं आप? तुम पे रूही का जो भूत सवार है ना, उसे उतार रही हूँ, क्योंकि तुम घर में सबको परेशान कर रही हो। तुम ये सब छोड़ो और रूही की जगह लेने के बारे में सोचो। किसी को भी घर में रूही के जाने का गम नहीं होना चाहिए। क्यों? तभी तो तुम नाहर की पत्नी बन सकोगी ना। आप सही कह रही हैं दादी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबके दिलों से रूही की यादें मिट जाए, कुछ ऐसा जैसे वो कभी थी ही नहीं। सब सो रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से नींद भी नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से एक सैंडविच बनाकर खा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब क्या है? इतनी रात का सैंडविच कौन बना रहा था? पक्का अवनी होगी, उसे हमेशा रात को भूख लगती है। सैंडविच तो बना लिया लेकिन सारा सामान बाहर छोड़ दिया। फिर से माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो गया। पहले रूही के हाथों बनी कॉफी पी के माइग्रेन का दर्द फट से चला जाता था, लेकिन अब खैर मैं खुद अपने लिए कॉफी बना लेता हूँ। ये कैसा टेस्ट है? ये तो बिल्कुल रोई के हाथों जैसे नहीं है। पता नहीं रोई ऐसा क्या मिलाती थी।
जिससे कॉफी का टेस्ट भी अलग लगता था और मेरा माइग्रेन का दर्द भी चला जाता था। नाहर जी दर्द से इतने परेशान है, मुझे कैसे भी करके उनकी मदद करनी होगी, पर मैं ऐसा क्या करूं? अरे ये ग्लास कैसे गिरा? शायद हवा से गिरा होगा। नाहर जी के माइग्रेन के लिए मैं हमेशा उनकी कॉफी में नारियल का थोड़ा सा दूध मिलाती थी ताकि उनके सर दर्द को आराम मिले। अरे मेरी कॉफी, कॉफी अब जैसी भी बनी है पी लेता हूं। इस कॉफी का टेस्ट तो बिल्कुल बदल गया, ये तो बिल्कुल रूही के हाथों बनी कॉफी जैसी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी एक मिनट पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी कभी जो मुझे एहसास होता है कि रूही मेरे आसपास है, रूही शायद मेरे आसपास ही है। तक मैं अग्नि का सच उसके मुंह से ना उगलवा लूं, तब तक मैं किसी के सामने नहीं आ सकती। और उसके लिए मुझे सबसे पहले अग्नि के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने होंगे। मुझे अग्नि के कमरे की तलाशी लेनी होगी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।